आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है द गंगा, जिसको राइट किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने इस द गंगा पाठ में अपने लोगों के प्रति अपने एहसान को बताया कि मतलब लोगों हमें कितना प्रेम कितना स्नेह दिए हैं उसके प्रति। इन्होंने यह एहसान माना भी है कि लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह दिया है, उस एहसान को माने हैं। और मरने के बाद क्या चाहते हैं कि मेरे शरीर का क्या किया जाए, मेरे अस्थियों का क्या किया जाए, गंगा के साथ उनका जुड़ाव कैसा था, कैसा लगाव था, बचपन उनका गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद के पास बीता, तो यह इन्हीं सभी बातों का जिक्र किए हैं। जब मृत्यु उनका करीब पहुंचा था तो उन्हें एक प्रकार का आप ये समझ सकते हैं कि यह एक पत्र है, पत्र जैसा है, जिनमें इन्होंने ये बताया है, अपनी इच्छा को जागृत किए हैं, अपनी इच्छा को बताया कि क्या हमारे साथ हो मरने के बाद। और मरने के पहले इन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द गंगा, जिसको राइट किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राइट किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबाउट दी ऑथर, अबाउट मीन्स बारे में, दी ऑथर मतलब लेखक, लेखक के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका नाम है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन राइटर, वह लेखक के रूप में भी अच्छे से जाने जाते थे। हिज फेमस बुक, उनकी प्रसिद्ध किताबें थी, और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज थी, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो संसार के इतिहास का झलक देती है, एंड और द ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाओं की झलक देती है। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त व्यक्ति थे। ये तो हुआ उनके बारे में। अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, अबाउट द लेसन। अबाउट मीन्स बारे में, द लेसन मीन्स पार्ट के बारे में। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर को बहुत ईजिली समझ पाएंगे और आसानी से भी हम अपने चैप्टर को समझ सकते हैं। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा वसीयत से लिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मीन्स लिया गया है, लॉस्ट विल अंतिम इच्छा, एंड टेस्टमेंट मतलब वसीयत। ही एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करते हैं, हिज ग्रेटिट्यूड, अपनी आभारी या कृतज्ञता को, टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, वह भारत के लोगों के उनके प्रेम और स्नेह के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता को, पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोगों के प्रति, फॉर देयर लव उनके प्रेम और एंड अफेक्शन मीन्स स्नेह। ही इज ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स, वह अपने सहकर्मियों के प्रति भी कृतज्ञता से भरे रहते थे। हु वर हिज फेलो पार्टनर, जो उनके साथी कर्मचारी थे। फेलो का मीन्स होता है साथी, पार्टनर मतलब साथ में काम करने वाला। नेहरू वांट्स, नेहरू चाहते थे, दैट की हिज बॉडी, उनके शरीर का सुबडी क्रिमिटेड, दाह संस्कार किया जाए आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद। ही विशेष, वह इच्छा रखते थे, दैट की अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, एक मुट्ठी राख बी इमर्ज इन द गंगा, उनकी वह इच्छा रखते थे कि एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। इमर्ज मीन्स प्रवाहित करना होता है, बहाना। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनमें से मुख्य भाग, मेजर मीन्स पोर्शन मतलब मुख्य भाग, बी स्कैटर ओवर द फील्ड, मैदानों में बिखेरा जाए। अब हमारा मेन टेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए मैंने टेस्ट, हम जितने भी अच्छे से इसको वर्ड मीनिंग के साथ समझेंगे उतना ही हमारे लिए क्वेश्चन आंसर को समझना आसान होगा। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, मैं भारतीय लोगों से बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम को प्राप्त किया। सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, लव मतलब प्रेम, एंड अफेक्शन मतलब स्नेह, मैंने भारतीय लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह को प्राप्त किया है। दैट की नथिंग, कुछ भी नहीं, दैट की आई टू डू कैन रिपेयर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, मैं कुछ भी करूँ इसका छोटा सा भाग भी नहीं चुका सकता। रिपेयर मीन्स चुकाना होता है, स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स छोटा सा भाग, एंड और इनडीड, वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अ फिक्शन, और वास्तव में
स्नेह जैसी बहुमूल्य चीज को नहीं चुकाया जा सकता है। प्रीसियस मीन्स कीमती, अफेक्शन मतलब स्नेह। मेनी हैड बी एडमायर्ड, कईयों की प्रशंसा किया गया। सम हैव बी रिवर्ड, कुछ लोगों का सम्मान किया गया। रिवर्ड का मीन्स सम्मान करना, एडमायर मतलब मीन्स प्रशंसा करना। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन हैज कम टू मी इन सच एविडेंट मेजर, लेकिन भारतीय लोगों के सभी ऑल क्लासेस का मीन्स सभी वर्गों से जो मुझे प्रचुर मात्रा में स्नेह मिला है, एविडेंट मेजर मीन्स प्रचुर मात्रा में, दैट की आई हैव बी ओवरहमेल्ड बाई इट, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ओवरहमेल्ड का मतलब होता है बहुत खुश। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ, द होप दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए सालों में, आई मे लिव, जब तक मैं जीवित रहूँ, आई शेल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के प्रति और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य ना रहूँ। अनवर्दी मतलब अयोग्य होता है। टू माई इनरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग, मेरे असंख्य साथी एंड सहकर्मी। इनरेबल का मीन्स होता है असंख्य, कॉमरेड मीन्स साथी, एंड कलीग्स मीन्स सहकर्मी। मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, आई ओ मैं रीडी हूँ एन यूर डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं कृतज्ञता रूपी रीड का बहुत ज़्यादा रीडी हूँ या आभारी हूँ। वेन वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन द ग्रेट अंडरटेकिंग्स, ज्वाइंट पार्टनर मीन्स सम्मिलित, हम लोग महान कार्यों में सम्मिलित सहयोगी रहे। ग्रेट अंडरटेकिंग का मीन्स होता है महान कार्य, ज्वाइंट पार्टनर सम्मिलित सहयोगी। एंड और हैव शेयर, और साझा किया है द ट्रिम, विजय को, अंसारो दुख को, और दुख और सुख को साथ साथ साझा किया है। विच जो इनवाइटली कंपनी दे, जो हम लोगों के साथ था। वेन आई डाई, आगे इच्छा रखते हैं कि हमारे साथ क्या किया जाए। वेन जब आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमिटेड, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। क्रिमिटेड का मीन्स होता है दाह संस्कार करना। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी मेरे शरीर का शुड बी क्रिमिटेड, दाह संस्कार किया जाए देर वहाँ पर ही, मेरे शरीर का वहाँ पर ही दाह संस्कार किया जाए। एंड माई एसेस, मेरे अस्थियों को सेंड टू इलाहाबाद में भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंड फुल ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का एक मुट्ठी शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित किया जाए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ दिन, उनमें से मुख्य भाग डिस्पोज ऑफ, खर्च किया जाए इन द मैनर, ढंग से, इंडिकेटेड बिलो, नीचे दर्शाए गए तरीकों से या ढंग से क्या किया जाए, खर्च किया जाए। नो पार्ट ऑफ दी जैसे, इन अस्थियों का कोई भी भाग शुड बी रिटेन्ड, न बचा कर रखा जाए और प्रिजर्न सुरक्षित रखा जाए। माई डिजायर, मेरी इच्छा है टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मेरी इच्छा है कि इलाहाबाद के गंगा में मेरी अस्थियाँ, अस्थियों का एक मुट्ठी गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। रिलीजियस मीन्स धार्मिक और सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। मेरी इच्छा है कि मेरे इलाहाबाद के गंगा में मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी प्रवाहित कर दिया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मतलब मैं किसी धर्म के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ। सो फार आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, कंसर्न का मीन्स संबंध होता है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दैट मैटर, मेरा इन मामलों में कोई धार्मिक भावना नहीं है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मीन धार्मिक भावना, मैटर मतलब मामलों में। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा हुआ हूँ टू द गंगा, मैं गंगा नदी से जुड़ा हुआ हूँ। एंड द जमुना रिवर, और जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद के गंगा और जमुना नदी से जुड़ा हूँ एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट्स, यह जुड़ाव है आल्सो ग्रन, यह जुड़ाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है देयर वेरिंग मूड्स, उनके बदलते हुए स्वभाव को, एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलता है। एंड हैव ऑफन थाट, और प्रायः सोचा है ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। एंड और मिथ, पौराणिक कथाओं के बारे में। एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में। एंड सॉन्ग, गीतों के बारे में। एंड स्टोरी, कहानी के बारे में। दैट हैव बिकन अटैच टू देम, जो उनसे जुड़ी हुई हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, सदियों से। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उनके हुए बहते हुए पानी का अभिन्न अंग हो गई है।
गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बी लव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों के लिए प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों विच और इंटरविथ, बधी हुई हर रेशियल मेमोरीज, अपनी जाति स्मृतियों से बधी हुई, अपने चारों तरफ जाति स्मृतियों से बधी हुई है। मेमोरीज मतलब स्मृत में होता है, इंटरव्यू मतलब बधी हुई गुथी हुई। हर होप्स, उनकी आशाएं, एंड फियर, उनका डर। हर सॉन्ग ऑफ ट्रिम, विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, उनका विजय। हर डिफीट, उनकी पराजय। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वो लंबे समय से भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहे। कल्चर मीन्स संस्कृत, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई। एंड एट, तो भी। एवर द सेम गंगा, वही समान गंगा रहती है। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती हैं। ऑफ द स्नो कवर्ड ऑफ पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयज, हिमालय की गहरी घाटियों की। वैलीज मीन्स घाटी होता है। Which, जो आई हैव लव, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच, और धनी भी होता है, और अब यहाँ पे हरा भरा भी, रिच हरा भरा के लिए भी हम रिच लगाते हैं। एंड ऑफ द रिच और हरा। एंड वास्ट प्लेन, नीचे विशाल मैदानों की। Which I have loved so much, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच, और जो हरे भरे विशाल मैदानों को से प्रेम करता है। वेयर, जहाँ पर माई लाइफ, मेरा जीवन और वर्क, कार हम भी कॉस्ट बीता है, वहाँ जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य बीता है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, यहाँ गंगा नदी का जिक्र हो रहा है, उनके वाटर, पानी का जिक्र हो रहा है। स्माइलिंग, मुस्कुराती है। एंड डांसिंग, नाचती हैं इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के प्रकाश में, सुबह के धूप में, सुबह के धूप में गंगा नदी मुस्कुराती और नाचती हैं। एंड डार्क, अंधकारमय हो जाती हैं। एंड ग्लूमी, उदास हो जाती हैं। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य भर जाती हैं। एज द इवनिंग शैडो फॉल, जैसे शाम की छाया पड़ती है। और नैरो, सक्रिय हो जाती हैं, स्लो, धीमी हो जाती हैं। ग्रेसफुल स्ट्रीम, शानदार धारा हो जाती है इन द विंटर, सर्दियों के रूप में। एंड वास्ट रोरिंग, और विशाल दहाड़ हो जाती है। थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के सीजन में, मानसून का मीन्स होता है बरसात का सीजन, और बरसात के सीजन में इनकी विशाल दहाड़ हो जाती है। मतलब गंगा नदी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था कि गंगा नदी समय के साथ कैसे चेंज हो जाती है, बरसात में कैसी हो जाती हैं, गर्मी के मौसम में कैसी हो जाती हैं, और विंटर सीजन में मतलब सर्दी की ऋतु में कैसी। ब्रॉड ब्लॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड मतलब चौड़ी होती है, ब्लॉसम छाती के समान, एलमोस्ट द सी, और समुद्र के समान चौड़ी छाती वाली हो जाती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र के समान शक्ति करने की नष्ट आ जाती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है। आई एम मेमोरी ऑफ द पास्ट, और प्राचीन भारत की स्मृति है। गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है, प्राचीन भारत की स्मृति है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में चलती हैं। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो भविष्य के महान सागर में जाकर गिरती हैं। एंड और दो, यद्यपि आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यपि मैंने बहुत सारे रीति रिवाजों को और परंपराओं को त्याग दिया है। ट्रेडिशन का मीन्स होता है परंपरा, कस्टम का मीन्स होता है रीति रिवाज, डिस्कार्डेड का मीन्स त्याग दिया। यद्यपि मैंने बहुत सारे परंपराओं को, प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया है। एंड आई एम एंग्जियस, मैं उत्सुक हूँ या चिंतित हूँ, दैट कि इंडिया शुड रीच हर सेल्फ ऑफ हलाल सेकल, भारत को इन सभी जंजीरों से छुटकारा पा लेना चाहिए। रीड ऑफ का मीन्स होता है छुटकारा पाना, सेकल्स का मीन्स होता है जंजीर, भारत को इन सभी जंजीरों से छुटकारा पा लेना चाहिए। दैट, जो बाइंड, जो इसको बांधती है, कंस्ट्रेंट दबाती है, हर जो उनको दबाती है और उनको कुचलती है। एंड डिवाइड हर पीपल, उनके लोगों को विभाजित करती है, मतलब यहाँ गंगा नदी के बारे में जितनी परंपराएं जुड़ी हुई हैं भारत के साथ, उन्हीं सब का जिक्र हो रहा है। डिवाइड हर पीपल, उनको लोगों को विभाजित करती हैं। एंड सप्रेस, और दबाती वास्ट नंबर ऑफ देव, उनमें से असंख्य लोगों को दबाती है। वास्ट मतलब मीन्स होता है विशाल, नंबर मतलब संख्या, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या को हम बहुत ज़्यादा संख्या बोल सकते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, एंड प्रिवेंट, रोकती है फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को ऑफ द बॉडी, शरीर के, एंड द स्पिरिट, आत्मा के, और आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। दो, यद्यप आई सी कॉल दिस, मैंने यह सब प्राप्त कर लिया है,
इसलिए ये सब छोड़ दिया है एक प्रकार से। आई एट तो भी आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है टू कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीट, यद्यपि भी मेरी इच्छा नहीं कि मैं प्राचीन भूतकाल से पूरी तरीके से अलग हो जाऊँ। मतलब जो गंगा नदी के साथ जितनी भी परंपराएं जुड़ी हैं ये यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं कि मैंने सभी को छोड़ दिया है लेकिन उनको पूरी तरीके से मैं नहीं छोड़ना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है दैट की ग्रेट इनहेरिटेंस, इस महान विरासत पर, भारत की संस्कृति के जिक्र कर रहे हैं, दैट जो हैज बीन, जो हमारी है, इज अवर, जो हमारी है, आई एम कॉन्शियस, मैं उत्सुक हूँ, दैट की आई टू, मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह एम ए लिंक, एक कड़ी हूँ इन द अब्रोकन चेन, अटूट श्रृंखला की, मैं भी सभी की तरह एक अटूट श्रृंखला की कड़ी हूँ, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत के उदय में वापस जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, अविस्मरणीय भारत के प्राचीन इतिहास में वापस जाती है, दैट चेन, वह चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रीजर, क्योंकि मैं इसे संचित रखता हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन, और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, फ्रॉम इट एज एंड और एज ए विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, मेरी इच्छा के साक्षी के रूप में, विटनेस का मीन्स होता है साक्षी, एज माई लॉस्ट होमेज, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि टू इंडियाज कल्चर एंड इनहेरिटेंस, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि भारत के सांस्कृतिक विरासत को है। इनहेरिटेंस का मीन्स होता है विरासत, और कल्चर मीन्स संस्कृति, मुझे मेरी अंतिम श्रद्धांजलि भारत की सांस्कृतिक विरासत को है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना करता हूँ दैट की अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अस्थि माइय से मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी गंगा नदी इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए, टू बी कैरिड, जहाँ से होते हुए टू द ग्रेट ओशन, महान सागर में जाकर मिल जाएगा, दैट जो वासेस इंडिया सोर्स, जो भारत के तटों को धोता रहेगा, सुन मतलब तट, मतलब उनकी इच्छा है कि जब गंगा नदी में यदि अस्थियों को मिला दिया जाएगा तो वह गंगा नदी सोते हुए समुद्र में चला जाएगा, तो भारत के जितने भी राज्य समुद्र से सटे हुए हैं वो हमेशा वहीं पर जुड़े रहेंगे, इनके कहने का मीन्स ये है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरे अस्थियों का मुख्य भाग, हाउ एवर, जबकि बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीकों से खर्च किया जाए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि दीज टू बी कैरीड हाई ऑफ इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इन अस्थियों को हवाई जहाज से हवा में ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड और स्कैटर्ड बिखेरा जाए फ्रॉम दैट हाई दैट ओवर द फील्ड्स, और वहाँ से उस ऊंचाई से खेतों में बिखेरा जाए, वेयर जहाँ पर द पीजेंट्स मतलब होता है किसान ऑफ इंडिया टॉयल मतलब मीन्स कठिन परिश्रम, जहाँ भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल ताकि वे घुल मिल सके विद द डस्ट धूल से एंड सॉयल मिट्टी से ऑफ इंडिया भारत के, ताकि भारत की मिट्टी या धूल से मिल सके एंड बिकम एन इंडिस्ट्रिगेबल पार्ट ऑफ इंडिया और भारत के अभिन्न अंग हो सके, मतलब उनकी इच्छा थी कि जब हवाई जहाज से ऊंचाई तक ले जाया जाएगा तो कहने का मतलब जब वहां से भी घेरा जाएगा तो भारत की मिट्टी के साथ मिला रहेगा और जीते हुए भी हम भारत के साथ जुड़े हैं भारत की मिट्टी से और मरने के बाद भी। आई हैव रिटन दिस बिल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, मैंने यह इच्छा पत्र वसीयत को 1954 को 21 जून को नई दिल्ली में लिखा है, मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयत को 21 जून 1954 को नई दिल्ली में, इसको मैंने क्या किया है, लिखा है।